गैर भाषा उन रास्तों को खोलती। डेनियल की प्रार्थना का उत्तर शैतान ने पकड़ लिया था। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान समझ नहीं सकता इसको। अगर वो समझ नहीं सकता, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। और एनिमी का कंफ्यूज रहना आपके लिए जरूरी है, हां या ना? उसकी चालनों का खत्म होना। अब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो जो आपको डाउन करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों का क्या जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं और आपके ग्रुप में बैठे हो, क्या करोगे? गैर भाषा, गैर भाषा वहां लगती है जहां आप नहीं जा सकते। ये उन पाइपों से चली जाती है जिनके बारे में आपको मालूम नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। हां, बड़ी सी बंदूक देखते ना, दिल से वाह क्या बंदूक है, ये स्पिरिचुअल शानदार बंदूक है आपकी। लाखों रुपए दे के मिलेगी नहीं, फ्री मिलेगी। पर कहता, मुझे ग्रहण कर, बपतिस्मा ले, तौबा कर, आज्ञाओं को मान, तो तू भी पवित्र आत्मा का दान पाएगा। अब सोच लो कितना जरूरी है। सोच लो, जो लोग सिर्फ चर्च ही अटेंड कर रहे हैं, प्रार्थना सिंपल वाली भी नहीं तो गैर भाषा वाली तो बहुत, सोच लो वो कहां बैठे हैं अभी, कितना पीछे बैठे हैं अभी। हालेलुया। अब आप महत्व समझेंगे गैर भाषा का, और ये लगातार मैं इसको बताऊंगा कश्यप, ताकि आपको समझ आ सके कंटिन्यू कि मुझे क्यों बोलनी है। और गैर भाषा जब बोली जाती है, जब आपकी लाइफ पे उतरती है और ये बढ़ती है और बढ़ के अगले लेवल पे जाती है और अगले लेवल पे जाती, कैसे आप गैर भाषा से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, मसे में बढ़ सकते हो, अपने दानों वरदानों को उज्जवल कर सकते हो, परमेश्वर से गाइडेंस ले सकते हो, उसकी अगुवाई ले सकते हो, कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो, बीमारी से बाहर आ सकते हो, अपने घर में साल्वेशन लेके आ सकते हो गैर भाषा बोलने के द्वारा। आप जानते पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। अगर वो ऐसा कहता, मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा, इसका मतलब बुद्धि से यानी अपने शब्दों से प्रार्थना करना पहले स्थान पे होता और उसके बाद गैर भाषा। पर उसने कहा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, यानी जब मैं प्रार्थना की शुरुआत करूंगा तो मैं गैर भाषा से करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। क्योंकि अगर मैं यहां पे मास प्रेयर सारी गैर भाषा में कर दूं तो आप आमीन कैसे बोलोगे, फेथ कैसे करोगे, क्या कैसे मालूम होगा कौन बंदा हील हो रहा है? तो उसने कहा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आत्मा से, लेकिन बुद्धि से भी करूंगा, ताकि दूसरे लोग इसे आमीन बोल सके। आमीन।